खबरों में बने रहने के लिए अपना लाइव डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज और मैं हूं पंकज भट्ट। 2019 का चुनाव भारत में होने जा रहा है और बेगूसराय जो बिहार का एक औद्योगिक जिला है वहां पे समीकरण दिनों दिन बदलते जा रहा है। हम आ पहुंचे हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता सुरेंद्र विवेक के पास, जिन्होंने 2015 में विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और अपनी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं विधानसभा में। हम जानते हैं कि इस बदलते पर समीकरण में सुरेंद्र विवेक क्या कहते हैं 2019 के चुनाव परिणाम। सर देखिए, 2019 ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, यह चुनाव देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ लोग वैसे लोग हैं जो घोटालेबाज हैं, जो देश की हित की चिंता नहीं करते हैं, वह अपनी चिंता करते हैं, और एक तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो रात दिन 16 घंटे देश के लिए समर्पित हैं, समाज के लिए समर्पित हैं, गरीब के जो निचले तबके के लोग हैं उनके लिए समर्पित हैं। यह सारा देश इसी को जान रहा है, इसीलिए देश के हर कोने कोने से केवल अगर आवाज़ सुनाई देती है तो नरेंद्र मोदी की आवाज़ सुनाई देती है और जन जन से आवाज़ आ रही है जो फिर एनडीए की सरकार बनेगी, नरेंद्र मोदी की सशक्त सरकार बनेगी। सर, बेगूसराय जिला में लोजपा के जो वोटर हैं, जो पासवान वोटर कहते हैं आप, पासवान वोटरों की संख्या लगभग 1.5 लाख से ऊपर, आपको लगता है कि ये 1.5 लाख वोट आपको मिलने जा रहा है? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, जो हमारे आदरणीय लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान इस देश में दूसरे अम्बेडकर के रूप में जाने जाते हैं और दलितों के लिए अगर कोई काम किया है इस देश में तो हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी ने काम किया है। और यही नहीं, यह बिल्कुल गरीबों की चिंता करते हैं, चाहे उसकी जाति और कास्ट क्या हो, एक तरफ वो दलित की भी चिंता करते हैं, एक तरफ सवर्ण का भी उन्होंने चिंता किया है। और आप देखे होंगे जो आदरणीय प्रधानमंत्री ने 10% उन्होंने सवर्णों को आरक्षण दिया है, लेकिन हमारे आदरणीय रामविलास पासवान ने 15% आरक्षण की मांग पहले ही कर चुके थे। इसलिए मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ, यहाँ के जो भी हैं पासवान नहीं, मैं कहता हूँ इस लोकसभा में जितने भी दलित लोग हैं सब रामविलास पासवान के प्रति समर्पित हैं, और रामविलास पासवान हमारे ऐसे नेता हैं जो गरीबों के लिए रात दिन काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी आपको मतलब कुछ असर डाल पा रहे हैं बेगूसराय? जीतन राम मांझी का कोई असर नहीं है, क्योंकि जीतन राम मांझी के बारे में तो जब जाहिर है तो शाम क्या बोलेंगे और सुबह क्या बोलेंगे उनको सारी जनता जानती है। क्या लगता है लड़ाई किन के बीच है? देखिए, लड़ाई फाइनली मुझे लगता है या है भी आपके गिरिराज सिंह, आदरणीय गिरिराज सिंह और तनवीर हसन के बीच है। कन्हैया तो तीसरे नंबर पर, कन्हैया कुमार की इतनी सोशल मीडिया में सारी चीज जबरदस्त बातें आ रही हैं, उनके लिए बॉलीवुड स्टार भी उठ करके आए हैं, बहुत सारे वहाँ जेएनयू के जो उनके साथी लोग थे वो भी आए हैं, आपको क्या लग रहा है कि इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक एक जनता रात की टीवी देखती है, उसके हाथ में मोबाइल है, हर चीज को जनता समझ रही है, आप इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तनवीर हसन और कन्हैया दूसरे नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सर, ये बताएं कि कन्हैया कुमार ने जो आज से 2 साल पहले जो बात कही देश के लिए, सेना के लिए, या जो भी चीज आपने सुना होगा, आपको नहीं लगता कि ये चीज चुनाव में आके स्पष्ट हो गया कि उन्हें चुनाव लड़ना था? एक चीज आपको मानना पड़ेगा, कन्हैया जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, लेकिन उनका उदय कहां से हुआ ये जाहिर है। जो देश की टुकड़े टुकड़े की बात करेंगे या बेगूसराय की जनता का विकास नहीं करेंगे। सर, गिरिराज सिंह कितने वोट से लगभग जीत पा रहे हैं आपसे? मैं समझता हूँ कम से कम 2 लाख वोट यहाँ से जीतेंगे।
ऐसा आपको लग रहा है? बिल्कुल, मैं समीकरण बता देता हूँ। 2014 की बात है, 2014 में यहाँ भाजपा ने लगभग 60,000 वोटों से जो है जीती थी। इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी हमारे साथ हैं, लगभग 1.5 लाख के आसपास उनका वोट है जो एनडीए गठबंधन को प्राप्त हुआ है, इसलिए जीत सर्वविदित है, इसमें कोई जीत में कोई शंका नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।